देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हमारा ये डिजर्ट हमने तैयार किया हुआ है, ये आप किसी भी पार्टी में बनाएंगी या आप कोई गेस्ट को खिलाएंगी, अपने दोस्तों को खिलाएंगी तो आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे वो लोग। वो लोग पूछेंगे कैसे बनाया आपको आपने इसको, तो आप इसको बनाइए। बहुत ही कम सामान में बनता है, घर के सामान से ही बन जाता है, बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता है इसके लिए। तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं, बहुत आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। लाजवाब। नमस्ते, स्वाद की रसोई हस्तकलता में आपका स्वागत है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक डिजर्ट बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे सेवई ले ली है। ये मार्केट वाली सेवई है, ये बारीक वाली सेवई है, बहुत बारीक वाली। तो इससे हम अपना डिजर्ट बनाते हैं। आपके पास घर वाली सेवई है तो उससे भी बन सकता है, बस थोड़ी अगर मोटी सेवई है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, बारीक वाली फटाफट हो जाती है। लंबी वाली सेवई है तो उन्हें तोड़ के ले लीजिए। कढ़ाई में हम डालते हैं घी, थोड़ा सा घी डालते हैं कढ़ाई में और इस सेवई को अच्छे से भूनते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने देसी घी और इसमें डाल देते हैं सेवई और इसको भून लेते हैं अच्छे से। इसको भूनते हैं तो एकदम ब्राउन कलर में लाना है। ये पूरा अच्छे से भून गई है, एकदम ब्राउन कलर हो गया है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको पानी डालना है। ये मैंने छोटा सा गिलास पानी लिया है, एक गिलास पानी लिया है, तो हम इसका आधा गिलास पानी डालेंगे। हमने इसमें आधा गिलास पानी डाला है, देखिए अब पानी बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम इसको ढक के पका लेते हैं, पानी सूखने तक पकाते हैं इसको ढक के 2 मिनट। सेवई हमारी बहुत बारीक थी इसलिए वो भाप से ही पक जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 2 मिनट पक जाएंगी, बस हमको पानी सुखाना है पूरा अच्छे से। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं, देखिए 2 मिनट में हमारी पूरा सेवई का पानी भी एकदम सूख गया है, एकदम सेवई खिली खिली सी हो गई है और ये पक भी गई है, फूल गई है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 चम्मच चीनी है, ये डाल देते हैं। चीनी हमको उतना ही डालना है जितने में ये सेवई मीठी हो जाए, ज़्यादा नहीं लेना है यहाँ पे चीनी। तो हम इसको मिक्स करके एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये अभी गर्म है तो इसी में आराम से पक जाएगी। चीनी हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और गैस एकदम स्लो कर दी है और इसको वापस से ढक देते हैं, चीनी को मेल्ट होने देते हैं। एक दो बार बीच में देख लीजिए चला चला के, नहीं तो नीचे जल जाए हमारी। इसका ढक्कन हटाते हैं, चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी इसमें पानी है तो इस पानी को हमको सुखाना है, एकदम पूरा पानी को सुखाना है, सूखी बनानी है, एकदम सूखा करना है इसको। फिर इसको खोल देते हैं, इसका पानी उड़ने देते हैं। देखिए पूरा सेवई का पानी एकदम सूख गया है, चीनी का पानी, और हमारी सेवई ऐसी होनी चाहिए एकदम पूरा जैसे चावल होते हैं, जरा भी पानी नहीं है, इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अलग इस प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हमें ठंडा करना है सेवई को, थोड़ा सा ठंडी हो जाए हाथ लगाने लायक, उतना ठंडा करना है हमको। यहाँ पर लिए मैंने कढ़ाई, इसको पानी से थोड़ा सा गीला कर लिया है, क्योंकि हम इसमें रबड़ी बना रहे हैं, पानी से इसलिए गीला किया है ताकि हमारा दूध नीचे तले में जले नहीं। और हम इसमें डाल देते हैं आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध है इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मलाई है, मैंने फुल क्रीम दूध लिया हुआ है, मलाई वाला, ये गाय का दूध है, आप कोई भी ले सकते हो, भैंस का हो, जो भी आपके घर में आता हो। तो इसकी हम रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे ले ली मैंने एक कटोरी, तो ये है स्टील, तो हम ये स्टील फॉल को हम इस कटोरी में ऐसे लगा लेते हैं। ये हम इसलिए लगा रहे हैं, हम बताते हैं, पहले हम इसको अच्छे से सेट कर लें। अच्छे से हमने इसमें स्टील फॉल लगा लिए, अगर आपके पास स्टील फॉल नहीं है तो आप कोई कैरी बैग वगैरह लगा सकते हो। और ये अपनी जो सेमी हमने बनाई थी इसमें हम ये सेट करते हैं, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, उस तरह से हम इसमें ये अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये हमने स्टील फॉल इसलिए लगाई है ताकि ईजी आराम से निकल सके, ईजिली निकालने में कोई दिक्कत ना हो। प्रेस करते हुए इसको हम सेट कर लेते हैं, दूसरे चिड़िया की घोंसला की तरह करते हैं इसको। लीजिए हमने यहाँ पे 3 कटोरियाँ अपनी तैयार कर ली है, घोंसले तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे 5 की कटोरी ली है, आप स्टील कटोरी जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं उसमें भी सेट कर सकते हो, या आपके पास कोई मोल्ड हो तो उसमें सेट कर लीजिए। तो हम इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए,
फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। तो हम फ्रिज में चलते हैं सेट करने के लिए, इसको रख देते हैं। दूध भी हमारा उबलने लग गया है, तो अभी हमको क्या करना है, इसको चलाते रहना है, नीचे नहीं जलना चाहिए। और इसमें जो साइड में मलाई आती है उसको हम साइड में इस तरह से ऐसे ऐसे कढ़ाई के लगाते जाएंगे, जितनी भी मलाई होगी उसको इस तरह फिर साइड में लगाते जाएंगे। लीजिए, दूध हमारा पूरा पूरा कड़ गया है, रबड़ी के फॉर्म में आ गया ये। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे आप कम या ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 चम्मच चीनी ले ली, ये डाल देते हैं और इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो फिर से वापस से ये पतली हो जाएगी। लो, हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कर देते हैं गैस बंद, क्योंकि अभी ये ठंडे होने पर और ज़्यादा गाढ़ी होगी। बस इतने रखना, हमको बंद कर देते हैं। चलिए हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, ठंडी हो गई है। चलिए अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। ये है गुलाब जल, गुलाब एसेंस है, तो इसको डाल देते हैं। ये 2 बूंद लिया हुआ है मैंने, 2 ड्रॉप, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये फिर से अपनी कटोरी लेके आए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको आहिस्ते आहिस्ते निकालते हैं। ये कितना अच्छे से कटोरी प्लेट पर रखते जाते हैं। तीनों निकाल लिए हमने, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी रबड़ी रखते हैं। रबड़ी हमारी ठंडी होनी चाहिए, गर्म मत डालिए। अभी कढ़ाई के साइड साइड में हमने जो मलाई लगाई थी उसको निकालते हैं। इसको चम्मच से थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं अपने। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है पिस्ता है, काजू है, बादाम है। यहाँ पे लिया है केसर, पानी में भिगो दिया था, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ये डाल दो, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना हमको। थोड़ा सा केसरिया कलर लाना है। हमारा कितना बढ़िया डिजर्ट बन के तैयार हुआ है। तो आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास फटाफट में जाए।